Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So today we are going to study about composition. So let's start the chapter. Fill in the blanks to complete the information about your school. My school. बच्चो आपको यहाँ पे स्कूल का पिक्चर दिया गया है. अब आपको इस पिक्चर को देखते हुए इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. जैसे आपका स्कूल कैसा है, उसका नाम क्या है, आप स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज करते हो, उस बेसिस पे आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है. जैसे कि द नेम ऑफ माई स्कूल इज, अब आपके स्कूल का नाम क्या है, आप यहाँ पे फिल करोगे. इसी तरह से आप बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स को भी फिल करोगे खुद से. डिस्क्राइब योर स्टडी रूम इन 5 लाइन्स. अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको अपने स्टडी रूम के बारे में 5 लाइन्स में डिस्क्राइब करना है. जैसे कि आप अपने स्टडी रूम में क्या करते हो, आप अपने स्टडी रूम में क्या क्या चीज़ें रखते हो, वो चीज़ें आपको इन लाइन्स में मेंशन करनी है. ठीक है. नाउ राइट अबाउट रवीज बर्थडे, यू कैन चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. अब आज रवि का बर्थडे है और आपको वर्ड्स बॉक्स दिया गया है, वर्ड बॉक्स दिया गया है, उसमें से आपको वर्ड्स चूज करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. पार्टी, कैंडल्स, क्लैपिंग, बलून्स, स्ट्रीमर्स, इनवाइटेड, 6 ईयर्स, गिफ्ट्स. यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, आपको इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक लड़का है रवि, उसका बर्थडे है, उसने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया हुआ है और वो क्या कर रहा है, केक कट कर रहा है. तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जैसे कि टुडे इज डैश. अब इस डैश में आप क्या फिल करोगे, टुडे इज रवीज बर्थडे. ऐसे ही आपको बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है पिक्चर को देखते हुए. नाउ राइट 5 लाइन्स अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड. आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में 5 लाइन्स लिखने हैं. आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है आप जानते होंगे, उसके बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी है और इस एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है. तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.